नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ का नया लेक्चर है और इसके पहले मेरे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। संतान सीरीज़ के ऊपर बेसिकली चल रहा है ये। इससे पहले 10 लेक्चर करीब संतान सीरीज़ के ऊपर हो गए हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं कि संतान कब होगी, कैसी होगी, कितने बच्चे होंगे, बेटा होगा, बेटी होगी, आपकी रिजत करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये लास्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये और भी रिफाइंड विधि है। पहले मैंने आपको जेमिनी से, स्टक वर्क से, क्लासिकल्स के हिसाब से बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी रिसर्च के हिसाब से जो श्री वी पी गोयल जी ने की है, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और उस रिसर्च के हिसाब से ये रिसर्च में 90% से ऊपर रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आते हैं। और किसी कुंडली में आप जानते ही हैं, अगर 90% से ऊपर रिजल्ट्स ठीक आए एनालिसिस के अंदर, तो समझिए कि वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो ये मैं आपको आज एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके लिए आपको कोई चीज़ नोट करनी होगी। इसके थ्रू आपको मालूम चलेगा कि संतान किसी कुंडली से देख के कैसे निकालते हैं, कितनी होगी ये कैसे निकालते हैं, कौन से बेटा होगी बेटी होगी ये कैसे मालूम करते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें केवल D7 और D9 यानी कि लग्न कुंडली का इस्तेमाल नहीं होता, जहाँ तक कि सिर्फ D7 चार्ट, सप्तांशा चार्ट और D9 चार्ट, नवांशा चार्ट का ही इस्तेमाल होता है। मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये होती है कि आप इस स्टडी के लिए बेसिकली जो चीज़ मैं बताने आपको जा रहा हूँ उसको किसी और चीज़ से लिंक मत कीजिए। सिर्फ इसी स्टडी के लिए लिंक करिए इस चीज़ को कि सूर्य, मंगल, जुपिटर और राहु और कोई भी ऐसा प्लेनेट जो उच्च राशि में बैठा हो वो मेल प्लेनेट होता है, उसको पुरुष लेना है। चंद्रमा, शुक्र, केतु और एनी डेविलेटेड प्लेनेट, चंद्रमा, शुक्र, केतु और कोई भी ऐसा प्लेनेट जो नीच राशि में बैठा हो उसको हमें फीमेल कंसिडर करना है। ये राशि जो है 1, 4, 5, 7, 8, 9 यानी कि आपका मेष है, कर्क है, सिंह है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, इन राशियों को मेल राशि मानना है, पुरुष राशि मानना है। और 2, 3, 6, 10, 11, 12 राशि जो हमारी हैं, वृष है, मिथुन है, कन्या है, या मकर है, या कुंभ है, या मीन है, इसको हमें स्त्री राशि मानना है, फीमेल राशि मानना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सप्तांशा चार्ट जब आप देखेंगे तो उसमें देखिए कि अगर उसका लग्न और राशि आ रहा है, और साइन में है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से लग्न उसका बन रहा है, तो उसमें पहला बच्चा उसके इसमें पांचवें भाव से देखेंगे, दूसरा सातवें से, तीसरा नौवें से, चौथा ग्यारहवें से और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर D7 कुंडली का लग्न सम है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, तो पहला बच्चा देखेंगे नवे भाव से, दूसरा सातवें से, तीसरा पांचवें से, चौथे तीसरे से, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। तो ये आप मोटा मोटा समझ गए होंगे। तो ये मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। अब इसमें जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है बच्चों का नंबर ज्ञात करने के लिए, वो काउंटिंग कहाँ तक चलेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। इससे पहले लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें तीन चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है संतान का भाव। मान लीजिए कि D7 कुंडली में आपका लग्न जो आता है वो कोई भी लग्न आता है, सपोज कीजिए कोई सम लग्न आता है या विषम लग्न आता है, तो आपने देखा कि पांचवा भाव विषम लग्न आया तो पांचवें भाव से पहला बच्चा बताया जाता है, तो विषम लग्न से पांचवें भाव से पहला बच्चा देखेंगे तो पांचवा भाव जो है वो संतान का भाव कहा गया। पांचवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी कहा गया लॉर्ड ऑफ चाइल्ड, और वो पांचवें भाव का स्वामी जो है जिस नवांश में बैठा है, बल्कि जिसके नवांश में बैठा है D9 में, वो कहलाता है लॉर्ड ऑफ डिसाइडर। तो ये तीन चीज़ें हमको निकालनी होती हैं कि संतान का भाव कौन सा है, D7 के लग्न के आधार पर सम है तो कौन सा, विषम है तो कौन सा, उसके अलावा संतान का भाव का स्वामी कौन है, तीसरा संतान भाव का स्वामी किसके नवांश में बैठा है यानी वो डिसाइडर कौन है। ये तीन चीज़ें हम लोगों को निकालनी हैं। उसके बाद जो काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा, दो एग्जाम्पल मैंने इसमें ऑलरेडी आपके लिए बनाए हुए हैं कि अगर केतु संतान के भाव में आ जाए तो वो लास्ट चाइल्ड होता है, केतु अगर संतान के स्वामी के साथ आ जाए तो वो भी लास्ट चाइल्ड कहलाता है, काउंटिंग रुक जाती है, केतु अगर डिसाइडर के साथ आ जाए यानी संतान स्वामी जिसके नवांश में बैठा है उस ग्रह के साथ केतु अगर आ जाए तो भी लास्ट संतान होती है, केतु अगर जो डिसाइडर है उसके राशि में बैठा है
यानी कि D9 के अंदर बैठा हो चाहे D7 में बैठा हो तो भी हमारी काउंटिंग रुक जाती है और वहाँ पर ये काउंटिंग हमारी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा बताने चाहूँगा, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। बस ये प्रिंसिपल्स आप जरूर याद रखिए कि मेल फीमेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, मेल फीमेल राशियाँ कौन सी होती हैं, D7 का लग्न अगर इवन नंबर हो तो पहला बच्चा 9वें भाव से देखते हैं, दूसरा 7वें से देखते हैं, और D7 कुंडली का लग्न अगर विषम हो 1, 3, 5, 7, 9 हो तो पहला बच्चा 5वें भाव से, दूसरा 7वें से, तीसरा 9वें से, इस तरीके से देखा जाता है। अब जैसे मैं आपके सामने ये दो कुंडली दिखा रहा हूँ, ये दो कुंडली आप देखिए, पहली कुंडली है 18 सितंबर 1967 की है, सुबह के 3:30 बजे मेरठ की कुंडली है। इसकी मैंने D7 और D9 चार्ट बना दिए हैं, D1 चार्ट इसका मैंने नहीं बनाया है क्योंकि हमें काम सिर्फ D7 और D9 चार्ट के द्वारा ही है। तो इसमें अगर आप देखें तो D7 चार्ट में अगर आप देखते हैं तो D7 चार्ट का लग्न जो आता है वो 4 नंबर है, कर्क राशि है। कर्क राशि कैसी राशि होती है? सन संख्या होती है और इवन नंबर है ये। तो जब इवन नंबर होगी तो पहला बच्चा कहां से देखेंगे? फर्स्ट चाइल्ड देखेंगे हम 9th हाउस से। तो फर्स्ट चाइल्ड हमको देखना है 9th हाउस से, तो पहला चाइल्ड हमारा इस वाले हाउस से आया 9th हाउस से। तो संतान भाव कौन सा हुआ? 9th हाउस हुआ, ये संतान भाव हो गया। संतान भाव का स्वामी कौन हुआ? संतान भाव का स्वामी 9th भाव के अंदर 12 नंबर राशि है, मीन राशि है, तो इसका स्वामी हुआ बृहस्पति। तो संतान भाव का स्वामी हुआ बृहस्पति, यानी बृहस्पति हमारा लॉर्ड ऑफ चाइल्ड हो गया, बृहस्पति हमारा संतान का स्वामी हो गया। अब बृहस्पति किसके नवांश में गया है वहां पे D9 में, वो हमें चेक करना होगा। देखिए बृहस्पति कहां गया है नवांश में? बृहस्पति गया है मेष के नवांश में, यानी मंगल के नवांश में गया है, मेष राशि में बैठा हुआ है D9 के अंदर बृहस्पति, यानी मंगल के नवांश में गया है। तो मंगल हमारा लॉर्ड ऑफ डिसाइडर हो गया, तो ये लॉर्ड ऑफ चाइल्ड हमारा हुआ और ये लॉर्ड ऑफ डिसाइडर हमारा हो गया मंगल। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट दो चीजें हमने डिसाइड कर ली। अब हमको पहला बच्चा देखना है कहां से? 9वें भाव से। तो हम ये देखें, सबसे पहले ये देखेंगे कि 9वें भाव का जो हमारा लॉर्ड ऑफ चाइल्ड है वो नवांश में किसके नवांश में बैठा है? तो हमने देखा मंगल के नवांश में बैठा है। अब मंगल का नवांश जब हमारे पास आ गया, अब इस मंगल को D7 में चेक करेंगे कि ये कहाँ गया बैठा है। मंगल को हम D7 में देखते हैं तो 4 नंबर राशि में ये बैठा हुआ है मंगल, तो 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला बच्चा जो हुआ, 4 नंबर राशि कौन सी है? 4 नंबर का हमने बताया आपको 1, 4, 5, 7, 8, 9 राशि मेल है, तो पहला बच्चा इनके मेल चाइल्ड होगा, बेटा होगा, मेल चाइल्ड पहला बच्चा। तो देखिए अभी काउंटिंग में केतु कहीं पे नहीं आया है, इसलिए हमारी काउंटिंग अभी आगे चलती रहेगी, आप समझ गए। आप ये ध्यान दीजिए सबसे पहले कि देखिए कि D7 के कौन से भाव से संतान देखनी है। चूंकि D7 का लग्न हमारा सम है तो हमें D7 के 9th भाव से संतान को देखना है। 9th भाव का जो स्वामी हुआ वो हुआ बृहस्पति। बृहस्पति कहा गया है? बृहस्पति मेष राशि में है D9 के अंदर। मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल, जो लॉर्ड ऑफ डिसाइडर हुआ। और मंगल कौन से सप्तांश में बैठा हुआ है? तो मंगल बैठा हुआ है कर्क सप्तांश के अंदर, मंगल बैठा है तो कर्क सप्तांश में बैठा है, तो कर्क यानी कि हमारा मेल चाइल्ड पहला वाला आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा बच्चा देखते हैं, तो दूसरा बच्चा किससे देखेंगे? क्योंकि सम लग्न है, पहला 9वें से, दूसरा 7वें से देखा जाएगा, तो दूसरा 7वें से देखिए। 7वें से देखते हैं तो दूसरे केस में क्या होता है? संतान का स्वामी कौन आता है? संतान का स्वामी आता है शनि, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शनि हो जाता है। और शनि किस नवांश में बैठा है? शनि को अगर हम नवांश में देखें तो शनि बैठा है हमारा कर्क नवांश के अंदर। कर्क नवांश में शनि बैठा है। कर्क नवांश का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। तो कर्क नवांश का स्वामी हुआ चंद्रमा, चंद्रमा लॉर्ड ऑफ डिसाइडर हुआ, और चंद्रमा सप्तांश के अंदर देखें तो वो कर्क के अंदर ही बैठा हुआ है, आप समझिए। मतलब यह है कहने का कि दूसरा बच्चा देखने के लिए हमने 7th हाउस को देखा। 7th हाउस का स्वामी बनता है शनि, शनि गया है कर्क नवांश में, कर्क नवांश होता है चंद्रमा का, चंद्रमा को D7 में चेक किया तो वो आया है फिर दोबारा से कर्क के सप्तांश में, तो कर्क हुआ तो यानी दूसरा बच्चा भी मेल हुआ, दूसरा बच्चा भी मेल हुआ। अब देखते हैं कहीं हमारा केतु तो बीच में नहीं आया। तो अगर आप देखें
क्या केतु चाइल्ड के हाउस में बैठा है? केतु चाइल्ड के हाउस में देख लीजिए, केतु चाइल्ड का हाउस हमारा दूसरा वाला चाइल्ड का हाउस हमारा सातवां था, तो केतु उसमें नहीं बैठा है, सातवें हाउस में नहीं बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु इज विद संतान, संतान लॉर्ड। क्या केतु संतान लॉर्ड कौन है? दूसरे भाव का, दूसरे भाव का संतान लॉर्ड है जो हमारा दूसरा बच्चा जिससे देख रहे हैं सातवां भाव, उसका संतान लॉर्ड है शनि। क्या केतु शनि के साथ बैठा है? तो केतु शनि के साथ भी नहीं बैठा, केतु हमारा किसी भी कुंडली में शनि के साथ नहीं बैठा हुआ है। अब देखते हैं केतु विद डिसाइडर, यानी कि संतान का स्वामी जो शनि हुआ, शनि बैठा है किसके नवांश में? मंगल के नवांश में, मेष राशि में बैठा हुआ है। शनि बैठा है मंगल के नवांश में, तो मंगल का नवांश अगर हम देखते हैं तो मंगल के साथ केतु कहीं बैठा है क्या? तो केतु मंगल भी दोनों नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ केतु इन द साइन ऑफ डिसाइडर, हमारा डिसाइडर आया मंगल, मंगल हमारा डिसाइडर आया दूसरे बच्चे का, दूसरे बच्चे का डिसाइडर मंगल आया। कैसे? कि दूसरा बच्चा हम देख रहे हैं सातवें भाव से, सातवें भाव का स्वामी हुआ शनि, शनि यहां पे गया मेष के नवांश में, मेष का स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल डिसाइडर हुआ। और मंगल आपका यहां बैठा है कर्क राशि में डी सेवन के अंदर, तो दूसरा बच्चा भी चाइल्ड हुआ, मेल चाइल्ड हुआ। लेकिन दूसरे बच्चा क्या लास्ट बच्चा है या इसके बाद भी है? दूसरा बच्चा लास्ट बच्चा इसलिए है क्योंकि जो मंगल डिसाइडर आया बनके, उसके साइन में यह दिखाया है केतु इन द साइन ऑफ डिसाइडर इन डी नाइन और डी सेवन। केतु मंगल के साइन में बैठा है, डिसाइडर के साइन में बैठा हुआ है डी सेवन के अंदर, इसलिए इससे आगे काउंटिंग नहीं होगी, ये लास्ट चाइल्ड था। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दो बच्चे हैं और दोनों ही इनके बेटे हैं, ये इससे पूरा कैलकुलेट हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी कुंडली में भी समझा देता हूँ। ये कुंडली दूसरी वाली कुंडली है, 17 जनवरी 1986 की है, 6:15 बजे सुबह की दिल्ली की कुंडली है, एक फीमेल की कुंडली है ये वाली। इसके अंदर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर हम चेक करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको लिखने में समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पर आप देखिए इस कुंडली में, इस कुंडली में हमारा ये डी सेवन चार्ट है। डी सेवन चार्ट का जो लग्न है वो कौन सा है? लग्न है इसका 12 नंबर, यानी ये फिर दोबारा से इवन राशि है। तो इवन राशि हो गया तो पहला बच्चा हमारा कहां से आया? फर्स्ट चाइल्ड हमारा आया 9th हाउस से, देखेंगे हम। फिर सेकंड देखेंगे हम 7th हाउस से, फिर थर्ड देखेंगे 5th हाउस से, इस तरीके से चलेंगे जब तक कि केतु बीच में कहीं ना आ जाए। तो पहला बच्चे के लिए हमने देखा कि 9th हाउस, 9th हाउस का मालिक कौन है, स्वामी कौन है? 9th हाउस का स्वामी है मंगल। तो लॉर्ड ऑफ चाइल्ड जो हमारा हुआ वो हमारा हुआ मंगल, मार्स, ये लॉर्ड ऑफ चाइल्ड हमारा हुआ। मार्स किसके नवांश में गया है वहां पे? डी नाइन में देखते हैं तो मार्स गया है, ये है एम ए मार्स, मार्स वृषभ के नवांश में है, यानी वीनस के नवांश के अंदर गया है। मार्स वृषभ नवांश में है, यानी वृषभ नवांश का स्वामी होता है वीनस, तो मार्स वीनस के नवांश में गया है। तो वीनस हमारा हुआ लॉर्ड ऑफ डिसाइडर, लॉर्ड ऑफ डिसाइडर, लॉर्ड ऑफ डिसाइडर मीन्स के जो लॉर्ड ऑफ चाइल्ड है वो किसके नवांश में गया है। तो ये वीनस आ गया हमारा। अब वीनस को देखेंगे दोबारा से डी सेवन में, तो वीनस डी सेवन में कहां पर आया? ये देखिए इस पांचवें भाव में वीनस डी सेवन में है, तो 4 नंबर, 4 नंबर हो गया आपका, यानी 4 नंबर अगर हुआ तो 4 नंबर की क्या राशि है? इसका भी मेल चाइल्ड है, यानी पहला बच्चा मेल चाइल्ड हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गई। तो ये तो डिसाइड हो गया, क्या ये पहला बच्चा ही लास्ट बच्चा है या इसके बाद भी कोई बच्चा है, वो हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए केतु इन चाइल्ड हाउस, चाइल्ड हाउस कौन सा था इसके अंदर? ये वाला चाइल्ड हाउस था नवा भाव। तो केतु क्या मंगल के भाव में है? केतु इस वाले भाव में है क्या, चाइल्ड हाउस के अंदर नवे भाव में? तो केतु इस नवे भाव के अंदर तो नहीं बैठा हुआ है, तो केतु इन चाइल्ड हाउस नहीं है, तो ये भी इग्नोर हो गया। केतु विद संतान लॉर्ड, संतान लॉर्ड कौन निकला था इसके अंदर? लॉर्ड ऑफ चाइल्ड निकला था मंगल, क्योंकि 8वें इसका स्वामी था, नवे भाव का स्वामी मंगल था। तो क्या केतु मंगल के साथ है? तो देखिए केतु मंगल के साथ है क्या? केतु मंगल के साथ भी इसमें नहीं है। इस वाली इधर देखते हैं तो केतु इधर भी मंगल के साथ नहीं है, केतु यहाँ भी मंगल के साथ नहीं है, तो ये भी चीज इग्नोर हो जाती है। केतु विद डिसाइडर,
अब देखते हैं डिसाइडर कौन है, यानी जो लॉर्ड ऑफ चाइल्ड था वो गया है आपका वीनस के नवांश में, तो लॉर्ड ऑफ डिसाइडर वीनस हुआ। तो केतु क्या वीनस के साथ है, केतु क्या वीनस के साथ है, तो केतु का देखते हैं, केतु यहां पे इधर बैठा हुआ है, नहीं वीनस के साथ नहीं है। केतु यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां वीनस के साथ है, डी नाइन में केतु और वीनस दोनों हमारे साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये लास्ट चाइल्ड हो गया, पहला बच्चा ही लास्ट चाइल्ड हुआ, यानी इनके एक ही बच्चा है जो मेल चाइल्ड है। तो आशा करता हूं ये सब चीज आपको समझ में आई होगी, कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको यही निकालना है कि संतान का भाव कौन सा लेना है, उस संतान के भाव का स्वामी कौन है वो आपको डिसाइड करना है, संतान के भाव का स्वामी किस नवांश में गया है, किसके नवांश में गया है वो डिसाइड करना है, वो लॉर्ड ऑफ डिसाइडर आपका है। और फिर वो डिसाइड करने के बाद जो लॉर्ड ऑफ डिसाइडर है उसको आपने दोबारा से D7 चार्ट में देखना है कि वो किस सप्तांश में है, तो जो सप्तांश होगा उसको डिसाइड करना है कि मेल में है या फीमेल में है। और उसके साथ साथ फिर आपको काउंटिंग कहाँ खत्म होनी है कि पहला बच्चा डिसाइड करते हुए केतु इन चारों कंडीशंस में से कहीं पूरी कर रहा है तो पहला बच्चा ही लास्ट बच्चा होगा, अगर उसके बाद केतु पहले बच्चे में नहीं कर पा रहा है तो दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से हम पूरा चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूरी ढंग से समझ में आया होगा। आप इस चीज़ को कुंडलियों पर लगा के देखिए, डिफरेंट कुंडलियों पर लगा के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक ऐसा फार्मूला आपको मिला है जो कि श्री वीपी गोयल साहब ने दिया है, जो मतलब रिसर्च जो हम लोगों को बनी बनाई रिसर्च मिली है। तो बस अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं नई नई वीडियोज़ इस पर डालता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।